खबर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गुना जिले की राघोगढ़ तहसील के ग्राम उदयपुरी में नौकुंजी गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा का समापन हुआ। इस मौके पर शांति कुंज प्रतिनिधि रामस्वरूप ने कहा है कि गांवों को आदर्श बनाने के लिए शिक्षा, स्वच्छता, स्वावलंबन, संस्कार युक्त, व्यसन मुक्त, प्यार और सहकार से भरा पूरा गाँव होने चाहिए। जो गाँव विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा। वहीं पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण करने तथा नदियों के संरक्षण शुद्धिकरण के लिए नदियों में पूजन सामग्री ना फेंकने व पॉलिथीन डिस्पोजल का उपयोग न करने की ग्रामीणों को शपथ दिलाई है। वही खबर शाहजहांपुर से, जो पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर चोरों का गैंग का खुलासा किया। आपको बता दें कि पकड़े गए चोरों के पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके अलावा कई क्विंटल लोहा भी बरामद हुआ। पकड़ा गया शातिर चोर आसपास के जिलों की गई चोरियों का भी उसने खुलासा किया। फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। दरअसल थाना कांच पुलिस को मुखबिड़ से सूचना मिली थी कि पटरी के पास 4 संदिग्ध लोग किसी घटना की फिराक में, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके मौके से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। इसके अलावा सरकारी गन्ना सेंटर से चुराए गए लोहे के 10, 20, 100 और 50 किलो के कई बाट भी बरामद हुए। साथ ही चोरी किया गया कांटा भी बरामद किया गया। पकड़ा गया एक शातिर चोर ताहिर हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसके पास से नाजायज बंदूक बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में शातिर चोरों ने कई और चोरी के खुलासे किए। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए चोर गैंग बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है। थाना कांच पुलिस द्वारा चोरी और नकबजनी में सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके सरगना सहित उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके कब्जे से अब तक कुल 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, कई जो बाट जो गन्ना सेंटर में गन्ना तोलने के लिए काम आती है उस तरह के बाट, और इसके अलावा कई गाड़ियों को तोड़ने के उपकरण, जिससे गाड़ियां अलग अलग पार्ट्स उसके निकाल दिए जाते हैं, उस तरह के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक अवैध देसी बंदूक बरामद हुई है 12 बोर की, जिसके साथ कारतूस की पेटी भी है। इसके गिरोह का सरगना ताहिर खां है, जो काफी पुराना अपराधी रहा है यहाँ का, और एक हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास हुआ था, जो जेल में था। 26 जनवरी को उसे कंपैशनेट ग्राउंड्स पर रिहा किया गया था, लेकिन आते ही आते पुनः सक्रिय हो गया और उसने अपना गिरोह एक बना लिया, जिनमें इसके 4 सदस्य शानू, कासिम, रईस और इसके अलावा एक ऑलरेडी इसका जो बेटा है दानिश ताहिर का, वो हाल ही में एक आपराधिक घटना में जेल में निरुद्ध है। ये सभी सक्रिय हो गए और इस तरह की घटनाएं करने लगे। मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई की गई और इनसे ये बरामदगी हुई है। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और इस पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना खबर सिद्धार्थनगर से, जो देश के समाज की संस्कृत की मर्यादा को तार तार अपमानित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मर्यादा व संस्कृति बोर्ड CMO द्वारा जूता पहनकर दीप प्रज्वलित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वह वायरल वीडियो में सांसद, विधायक सहित अन्य गणमान्य द्वारा जूता निकालकर दीप प्रज्वलित किया गया है। खबर सिद्धार्थनगर से, जो मदरसे में रसोईया से मदरसे के प्रिंसिपल का मसाज कराते लोगों ने वीडियो कैमरे में कैद कर लिया। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही वायरल हो रहे वीडियो में मसाज कराते दिख रहा व्यक्ति मदरसे का प्रिंसिपल व मसाज कर रही महिला उसी मदरसे में तैनात रसोईया बताई जा रही। मदरसे के अंदर ही मसाज कराने की बात बताई जा रही। फिलहाल KKT न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जो यूपी के लखीमपुर खीरी के कस्बे खीरी में PWD NH की लापरवाही देखने को मिली। खीरी कस्बे के हाईवे के किनारे 100 से अधिक मकान व दुकान प्रशासन के बुलडोजर का डर दिखाकर तोड़ दिए गए। आपको बता दें कि कस्बे में नेशनल हाईवे 727 बनने को लेकर PWD की तरफ से लोगों को जो नोटिस दी गई, लेकिन उसमें समय नहीं दिया गया। लोगों ने बुलडोजर के डर से अपने मकानों और दुकानों को तोड़ दिया। लोगों के काम धंधे सारे चौपट हो गए। पीड़ितों ने हाईकोर्ट के वकील आदर रिजवी को सहारा लेकर
कर दी गई नोटिस का जवाब लेकर उच्च अधिकारियों व मंत्रियों से गुहार लगाई। इसके साथ ही एडवोकेट चादर रिजवी का कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस दी गई है उसमें समय नहीं दिया गया। दी गई नोटिस में धारा 26/3 का अनुपालन नहीं किया गया। फिलहाल 100 से अधिक मकान व दुकानें खीरी कस्बे के हाईवे के किनारे टूट चुकी हैं। अब लोग बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। नोटिस उन्होंने जो है चस्पा दुकान पे कर दी और उसके बाद जो है बुध को हमको खबर मिली कि आज एटीएम साहब आ रही हैं, आप लोगों से मीटिंग करेंगी। तो हम लोग गए वहाँ, उन्होंने हम लोगों की बात कोई नहीं सुनी और अपना उन्होंने प्रमाण जारी कर दिया कि अभी इतवार तक टाइम है, बुध से हम आप बिल्डिंग चला देंगे। हम नए व्यापार के जो है मतलब अध्यक्ष ने बहुत कहा कि आप जो है होली है त्यौहार है, उन्होंने कहा त्यौहार तो आते ही रहते हैं, होली आते ही रहती है, बहर कोई फर्क नहीं पड़ा। और उन्होंने जो है सीधा जो है फरमान जारी कर दिया कि 3 दिनों में आप लोग अपने आप तोड़ लें, अन्यथा जो है हमारा बिल्डोजर चलेगा। और जैसे तैसे हम लोग दिन रात करके दुकान तोड़ रहे हैं, एक हफ्ते से लगभग काम भी बंद पड़ा है और बहुत कंडीशन खराब है, हम ही नहीं हमारे सारे दुकानदार परेशान। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि हम दुकानदारों के ऊपर रहम किया जाए और अगर हो सके कहीं ना कहीं से बाईपास निकाल दी जाए। और बाईपास निकालना कोई बड़ी बात नहीं, गवर्नमेंट के लिए क्या नहीं मुमकिन है, गवर्नमेंट चाहे सब कुछ हो सकता है। हम लोगों के साथ रहम और हमदर्दी करके अगर बाईपास निकाल दिया जाए तो शायद हम लोगों का जो है गुजारा हो सके। वरना अल्लाह सहायक अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है एक ही प्रारूप पे सैकड़ों लोगों को खीरी टाउन के, उसके संबंध में ये कहना है कि यद्यपि ये नोटिस धारा 26(2) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई है, परंतु उसमें इसी अधिनियम की धारा 26(3) का अनुपालन नहीं किया गया है। धारा 26(3) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि धारा 26(2) के अंतर्गत जो नोटिस जारी किया जाएगा उसमें संबंधित व्यक्ति को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए दिनांक एवं समय अर्थात तिथि एवं समय निर्धारित किया जाएगा। ये जो नोटिस जारी किया है सहायक अभियंता ने उसमें ना तो तिथि है और ना तो समय है, सीधे सीधे अतिक्रमण को कथित रूप से चिन्हित करते हुए उस अतिक्रमण को हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है। ये जितने भी लोग हैं इनके अपने दुकानें इनके अपने घरों में हैं, इनकी दुकानें भी तोड़ दी गई, बहुत सारे लोगों के प्रतिष्ठान व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो जाने की कगार पे हैं, ध्वस्त हो जाने की कगार पे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है लोक निर्माण विभाग से एवं जिला प्रशासन से कि इन सज्जनों का जो प्रत्यावेदन इन्होंने बना के आज दिया है जिसमें सारे ऑब्जेक्शंस हैं, इन सारे ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करें और वैधानिक नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। नोटिस उन्होंने जो है चस्पा दो खबर जोधपुर से, जहां 3 मार्च 2023 प्रतापनगर स्थित श्री माँ लक्ष्मी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं की छात्राओं और कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए आशीर्वाद समारोह धूमधाम से मनाया गया। संस्थान के ऑडिटोरियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का आगाज अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों के स्वागत के बाद 9वीं के छात्राओं ने गणेश वंदना की शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष श्री मनोहर लाल पुगलिया ने कहा कि सफलता प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंधन के साथ सार्थक प्रयास जरूरी है। संस्थान को अध्यक्ष श्री पंकज राठी ने कहा कि मजबूत राष्ट्र का आधार बौद्धिक और नैतिक रूप से उन्नत नागरिक होते हैं और विद्यालय तथा शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वहीं प्रचारा श्रीमती दीपिका व्यास ने अपने उद्बोधन में छात्राओं का गुणात्मक व्यक्तित्व के विकास की और बेहतर भविष्य के लिए स्वयं को उपयुक्त बनाने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही विद्यालय के सत्र पर्यंत उपलब्धियों के इस अवसर पर अतिथियों एवं प्राचार्य गणों ने संस्थान पत्रिका उद्यन के नूतन अंक का विमोचन जानकारी दी। खबर मंडला से, जो जिले के विकासखंड नारायणगंज क्षेत्र अंतर्गत एकीकृत प्राथमिक शाला भवन की छत जर्जर स्थित में, जिसे पढ़ने वाले बच्चों को भारी खतरा होने की संभावना बनी हुई, जो कि बच्चों को बैठने की व्यवस्था न होने की स्थिति में बच्चों के जान जोखिम में डालकर क्लास लगाई जा रही। इसके साथ ही शौचालय व किचन सेट भी अव्यवस्था की स्थिति में पड़ी हुई। वहीं जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन टंकी का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्य गुणवत्ता विहीन एवं अपूर्ण है, साथ ही बोर नहीं किया गया है।
पुराने हैंडपंप से कनेक्शन लिया गया। बताते चले कि पढ़ने वाले बच्चों को पानी की असुविधा होती है, इसके साथ ही लाइट कनेक्शन का कार्य भी हुआ, परंतु वह भी अपूर्ण की स्थिति में। प्रधानाध्यापक ने कहा कि कई बार प्रस्ताव आवेदन शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को भवन की जर्जर स्थिति के बारे में आवेदन दिया गया है, परंतु आज तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं मीडिया के माध्यम से शिक्षा विभाग व शासन प्रशासन को इस गंभीर समस्या को अवगत कराते हुए उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द भवन की स्थिति को देखते हुए भवन निर्माण व व्यवस्था कराएं, ताकि बच्चों की विद्या अध्ययन के दौरान दुर्घटना से बचाया जा सके। क्या है सर, ये मजबूरी है हमारी कि हम छात्र को बच्चों को अंदर बैठाते हैं, लेकिन हमने अपने उच्च अधिकारी को भी ये बात बता दी है और आवेदन भी दे दिए हैं आज के दो साल एक साल पूर्व कि सर हमारी स्थिति इस टाइप की है, तो थोड़ा जो भी कार्य बने तो वहाँ से भी सर आए और इंक्वायरी वगैरह करके ले गए हैं, है ना, देख रेख करके और आवेदन भी ले गए हमारे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ सर, ना मरम्मत राशि के बारे में कुछ आ रहा और ना ही अपने कार्य हो पा रहा है। क्या है सर जे मजबूर वही लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गोमती नगर पुल से युवती ने छलांग लगा दी। आपको बता दें कि रिवर फ्रंट पर युवती ने छलांग लगाई। इसके साथ ही युवती को बचाने के लिए दो युवक गोमती नदी में कूद गए। दोनों युवकों और गोताखोरों की मदद से युवती को बचा लिया गया। तो बड़ी और अहम खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर गोमती नगर पुल से युवती ने छलांग लगा दी। आपको बता दें कि रिवर फ्रंट पर गोमती नदी में युवती ने छलांग लगाई। इसके साथ ही युवती को बचाने के लिए दो युवक गोमती नदी में कूद गए। फिलहाल दोनों युवकों और गोताखोरों की मदद से युवती को बचा लिया गया। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता नदीम। जी नदीम, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल जी, आवाज आ रही है। आपको बता दें जिस तरह से राजधानी लखनऊ में जो लगातार जो युवती है युवता है गोमती नदी में छलांग लगाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, उसके बाद वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ले तो जो वहां पे जो खोतादार मौजूद रहते हैं हर समय जो वहां पे तैनात रहते हैं वो लगातार जो मछली अच्छी पकड़ते हैं जो खोतादार होते हैं वो मतलब जो युवती कूदी थी उसको उन्होंने पूरी तरह से साकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि आपको बता दें जो उनके साथ जब जो युवती ने छलांग लगाई थी तो उनको दो युवकों ने देखा था, जब दो युवकों ने देखा तो वो भी गोमती नदी में कूद गए युवती को बचाने के लिए। हालांकि जो दो युवक है एक हरदोई का निवासी है जो आटो चालक है और दूसरा निवासी संतोष कुमार है, जो दोनों युवकों को जो कूदे थे उनको युवती को बचाया था, खोतादारों की मदद से युवती को बाहर सकुशल निकाल लिया गया। हालांकि आपको बता दें जो मामला है गोमती नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। गोमती नगर पुल से जो रिवर फ्रंट पे पुल बना हुआ है उससे जो युवती थी वो परेशान होकर कूद गई। हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि किस वजह से युवती ने गोमती में छलांग लगाई है। जी 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 नदीम, एक चीज और देना चाहूंगी कि ये जो युवती ने छलांग लगाई क्या इसकी कोई जानकारी आपको मिल पाई कि आखिर क्या वजह रही, क्या कारण रहा जो उसने छलांग लगाई? ये युवती को साकुशल बाहर निकाल लिया गया है और पुलिस अभी उसे युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं हो पाई है कि किस परेशानी से होकर युवती ने नदी में छलांग लगाई थी, पुलिस उससे पूछताछ थोड़ी देर में पुलिस से पूछताछ करेगी क्या उसकी परेशानी थी, हालांकि कुछ अभी निकल के सामने नहीं आया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नदीम आपका। तो बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर गोमती नगर पुल से युवती ने छलांग लगा दी है। बता दें कि रिवर फ्रंट पर गोमती में युवती ने छलांग लगाई। इसके साथ ही युवती को बचाने के लिए दो युवक गोमती नदी में कूद गए। दोनों युवकों और गोताखोरों की मदद से युवती को बचा लिया गया है। खबर वृंदावन से, जो बांके बिहारी के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने पंचकोसी परिक्रमा लगाकर लोगों ने वृंदावन की होली का आनंद लिया। वहीं शुक्रवार को रंगभरी एकादशी का पर्व मनाया गया। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी मनाई जाती है। इसे आंवला एकादशी और आमलका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ आंवले की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन शिव जी की भी पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी एकादशी के दिन भगवान शिव शंकर माँ पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे, इसलिए यह एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ ही दूर दराज से श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, साथ ही पंचकोशी है वृंदावन की परिक्रमा लगाकर वृंदावन की होली का आनंद उठाते हैं। Thank you.
खबर मथुरा से, जहां रंग भरनी एकादशी के उपलक्ष्य में आज 3 मार्च को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लट्ठमार होली का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि रंग भरी एकादशी के उपलक्ष्य में सुबह को वृंदावन में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर वहां रंग गुलालों तथा फूलों की होली खेलकर अपने आराध्य को ले जाते हैं। वही सुरक्षा की दृष्टि से मथुरा जन्म कृष्ण स्थान सहित चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर रही तथा बाहर से श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व मेडिकल सहित अस्थायी शौचालय की व्यवस्था भी कराई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। आज हम मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, जहां होली की धूमधाम बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। यहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पीछे जो आप स्टेज देख रहे हैं, ये वही स्टेज है जहां श्री राधा कृष्ण का एक रूप अपने आप में बना हुआ है। और यहां देख सकते हैं किस तरीके से होली की धूम एकदम बची हुई है। यहाँ पर राधा कृष्ण का स्वरूप आकर के होली लठामार यहाँ पर सभी ब्रजवासी मना रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग और गुलाल के साथ में यहाँ होली मनाई जा रही है। यहाँ पर लाखों की तादाद में अभियाई देख रहे हैं केकेडी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। आज देखिए हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, यहां जो देख रहे हैं ये सभी दर्शक यहां की ब्रज की होली का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही यहां पर लाखों की तादाद में यहां अनुयायी सुबह से आए हुए हैं और श्री कृष्ण जन्म स्थान में जो लट्ठामार होली होती है उस होली के आयोजन का यहाँ पर मजा ले रहे हैं। जहाँ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। मैं इनसे यहाँ बात करना चाहूंगा कि किस तरीके का कार्यक्रम रहा। यहाँ सीधे मैं इनसे बात करता हूँ। सर, आज का जो कार्यक्रम रहा है बहुत अच्छे तरीके से रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज रंगभरी एकादशी है और आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, साथ ही साथ सभी मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं। आज वृंदावन में प्रमुख मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। मल्टीलेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट इसके लिए किया गया था, साथ ही साथ जो आवागमन के रास्ते हैं वहाँ पे कोई परेशानी हो इसके लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था, बैरियर्स डाइवर्जेंस पहले से प्लान किए हुए थे। मथुरा में भी आज श्री कृष्ण जन्म स्थान पर लठामार होली और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। शरारती तत्वों आपराधिक तत्वों पे भी विशेष नजर है, इसके लिए सादे में भी डिप्लॉयमेंट की गई है। महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा तथा सुगम तरीके से लोग इन स्थानों पर जहाँ पे होली हो रही है, जहाँ दर्शन पूजन करना है, परिक्रमा में आ जा सके, इसके लिए भी व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। तो अभी तक आप सुन रहे थे कि मथुरा जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से और देखा जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस होली के प्रोग्राम को यहाँ सेलिब्रेट किया है। जिस तरह मथुरा की होली में यहाँ मथुरा के जिला अधिकारी सहित आला अधिकारी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे एक बार यहाँ सीरत मांग। सर, आपने पहली बार मथुरा की होली सेलिब्रेट की है, कैसा महसूस हुआ आपको? नहीं, बहुत ही सुंदर और सुखद अनुभूति है ये। हम लोग बचपन से पढ़ते आए थे कि ब्रज की होली और खासकर मथुरा की होली अनोखी होती है, और इस बार पिछले कुछ दिनों से और आगे आने वाले कुछ दिनों तक अलग अलग रंगों में रूपों में जो ये होली मनाई जा रही है उसका हम लोग अनुभव कर रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर करना है उसका भी मौका मिला है, और प्रयास यही करा जा रहा है कि हर आयोजन जिस प्रकार से पहले होता था उसको ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बेहतर हो, चिकित्सा की बात हो, चाहे बैरिकेडिंग की बात हो, चाहे CCTV सुरक्षा की बात हो, उन सब व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर करा जाए वही इस पूरे आयोजन में हम लोगों का ध्येय रहा है और सबके सहयोग से उसको हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक मेरे साथ मौजूद थे मथुरा के जिला अधिकारी, जिन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, और यहाँ पर देखा जाए कि लाखों की तादाद में यहाँ अनुयायी आते हैं और अनुयायियों ने आकर के यहाँ होली प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है। ऐसे ही अभी मेरे साथ देखिए कितने लोगों ने यहाँ पर होली का जो प्रोग्राम है यहाँ पर लट्ठामार होली श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सेलिब्रेट किया है, और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखा जाए मेरे पीछे, आप देखिए कैमरे में ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे अनुयायी आकर यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर
ये होली का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। होली का त्योहार एक अपना अलग ही रूप लेकर आता है। ऐसे ही आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो कैमरे में आप देख रहे हैं, यह लाखों की तादाद में अनुयायी यहाँ पर आते हैं और होली के इस प्रोग्राम को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान में लठामार होली का जो आयोजन है यहाँ भव्य रूप में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं।